वैस्कुलाइटिस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं टुडे द टॉपिक इज थ्रोम्बो एंजियाटिस ऑब्लिटर एंड दिस इज ऑल्सो इन फैंसी वर्ड्स नोन एज बर्जयर डिजीज बर्गर नहीं है यह ओके नॉट अ बर्गर डिजीज बर्जर डिजीज नाउ बर्जर डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय सेगमेंटल थ्रोम्बोजिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ मीडियम एंड स्मॉल साइज आटरीज तो पहले तो ये सारे वर्ड समझ लो यार अगर ये आपकी ब्लड वैसल है सो नंबर वन दिस इज सेगमेंटल तो इस सेगमेंट में होगी फिर नहीं होगी फिर इस सेगमेंट में होगी ओके थ्रोबोजिंग एंड थ्रोबोजिंग का मतलब ये कि इस पार्ट में देर विल भी थ्रोम्बोसिस इसीलिए देर विल भी ऑब्लिट्रेशन ऑफ द ल्यूमेन एंड इसीलिए इट इज कॉल्ड ऑब्लिट्रेंस सो थ्रोम्बो यानी थ्रोम्बोसिस होगी एंड जाइडस ब्लड वैसल को कहते हैं ब्लड वैसल में थ्रोम्बोसिस होगी जिसकी वजह से ऑब्लिट्रेशन हो सकती है एंड दिस ऑब्लिट्रेशन इज यूजली सीन

ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है एंड देन आल्सो कौन सी ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं यानी बाज डिजीज में वॉट हैपन्स के हेड की आर्टरीज अफेक्ट हो रही हैं बाज डिजीज में किसी और जगह की आर्टरी इस पर्टिकुलर केस में टीबिया यानी टीबियल आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी दीज आर द प्राइमरिल अफेक्टेड ब्लड वैसल्स ओके नो डिजीज अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन हैवी टोबैको स्मोकर सो आप सोचें एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा ना टोबैको स्मोकर होगा Um, और ये साइंस एंड सिम्टम्स इस तरह के आएंगे एंड इट इज ऑल्सो इन यंग पेशेंट्स, 35 फाइव ईयर्स से पहले पहले डायरेक्ट एंडोथीलियल सेल टॉक्सिसिटी कौन से एंडोथीलियल सेल्स ब्लड वेसल में है ऑब्वियसली कॉज्ड बाय सम कॉम्पोनेंट्स ऑफ टोबैको इज सस्पेक्टेड सो टोबैको कॉम्पोनेट कॉजिम डैमेज एंड बिकॉज ऑफ दिसमेज थ्रॉम बॉसिस बेसिकली स्टार्ट एंड इम्यून रिस्पॉस देर एज वेल इन मोस्ट पेशेंट्स विद बजट डिजीज आर हाइपर सेंसिटिव टू टोबैको A genetic predilection is suggested by increased prevalence in certain ethnic groups such as Israelis, Indians, Japanese. So these are the um, you know populations which are very much sensitive to thromboangiitis obliterans, right? And clinically, uh, there is early manifestation uh, which includes cold-induced Raynaud phenomena.

while walking the vascular insufficiency of berger disease tends to be accompanied with severe pain because the artery itself is obliterated so the blood supply will be disturbed and there will be pain chronic extremity ulcerations may also develop because if there is reduced blood supply to the extremity there will be ulcers formed okay and uh, so much so it can lead to frank gangrene as well A smoking abstinence in the early stage of the disease may help however once established the vascular lesions do not respond to ye nahi hai ki ek dafa pura gangrene ban gaya ab aap bolo main smoking chhod deta hu aisa nahi hai okay सिंपल स्टफ था वैसे basically. इसमें कोई ज्यादा कहानी नहीं है Morphology थोड़ी सी देख लेते हैं थ्रोम्बो एंड जी आर एस ऑब्लिट्रेंस देर इज शार्पली सेगमेंटल vasculitis of medium and small size arteries predominantly those of the extremities uh, extremities matlab hand extremities and foot extremities tibial and radial arteries and this leads to thrombosis micro abscesses, and granulomatous features of inflammation the inflammation often extends to the contagious veins and nerves as well this is a feature which is rare in other forms of vasculitis so if somebody is telling you that the surrounding nerves are and the veins they are also being affected by the inflammation so that is a very clear-cut pointer towards purger disease okay राइट सो दैट्स ऑल जो आपको याद रखना है अबाउट थ्रम्बो एंजॉयस ऑप लिट्रेंड्स एज ग्रुप पता होना चाहिए कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं स्मोकिंग के साथ इसका क्या एसोसिएशन है ऑल आर इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्टाफ ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ वैसल्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन वन इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ योर